जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की जो आर्मी की भर्ती आई थी उसको लेकर आवेदन हो चुके थे। साथियों, आप लोगों की भर्ती होने ही वाली थी, तो फिर आपको कोविड के कारण बताते हुए आपकी भर्ती कैंसिल कर दी गई थी। साथियों, उससे पहले भी आप लोगों की भर्तियाँ आनी थी लेकिन भर्ती नहीं आई थी, तो आप लोग काफ़ी सारे साथी हमारे ग्राउंड को छोड़ चुके थे। लेकिन जैसे ही भर्ती आई थी और आवेदन स्टार्ट हो गया था, कहीं ना कहीं ग्राउंड पे भीड़ काफ़ी मात्रा में देखी जा रही थी साथियों। लेकिन आप लोग की भर्ती पोस्टपोन जब से हो गई है, प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो एक दो साथी दौड़ते नज़र आते हैं और बाकी सभी साथियों ने तैयारी छोड़ दी है। तो साथियों, आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा, जिनका आवेदन हो गया है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया या फिर जो नए तैयारी करने वाले आए हैं, वो पूरे जी जान से तैयारी करते रहे, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए भर्ती निकल कर आएगी। साथियों, अगर उत्तर प्रदेश में पहली बार कहीं भर्ती होगी तो मुझे 100% उम्मीद है आप लोगों की भर्ती होगी, क्योंकि आप लोगों की भर्तियाँ पोस्टपोन की गई हैं। भर्तियाँ आ गई थी, बस कारण बता के वो भर्ती पोस्टपोन कर दी गई थी साथियों। और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव का जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है 10 मार्च के बाद आपकी भर्ती कभी भी कराई जा सकती है, उससे पहले भी नोटिस आ सकता है, लेकिन भर्ती 10 मार्च के बाद ही होगी साथियों। तो आप लोग अपने जी जान से तैयारी करते रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कोई डॉक्यूमेंट में कमी है, आपके मेडिकली प्रॉब्लम है या फिर आपके कहीं पैरों में दर्द है, कहीं कुछ भी है, अभी आप ठीक कर लीजिए, वरना आपके पास मौका नहीं रहेगा। 1 महीने के जस्ट बाद कभी भी आपकी भर्ती आ सकती है साथियों। भर्ती आने के बाद ही सभी लोग एक साथ तैयारी करने के लिए उतरते हैं, ये गलत है। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, पूरी उम्मीद है कि 10 मार्च के बाद भर्ती कभी भी आ सकती है साथियों। कोविड सिचुएशन कंट्रोल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतने में अगर चाहेंगे तो आर्मी की भर्ती कंडक्ट करवाई जा सकती है, ठीक है साथियों। इसी तरीके के आर्मी भर्ती की अपडेट पाने के लिए टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।